आओ दर्दानी माड़ा मेरा सिद्धू मूसे वाला। सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। मैं आपका दो ऋषि सिंह और मैं ऋषि की मम्मी अनीता मीना, हम सब आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ऋषि वर्मा। आई होप गाइस आप सब होंगे बहुत अच्छे, रख रहे अपनी फैमिली का ख्याल। तो आज हम आगे दोबारा से आप सबकी प्यारी वीडियो पर रिएक्शन लेके, जो कि हमने कहा था हम फुल सपोर्ट करेंगे एल्विश यादव को। तो एल्विश यादव को एक टास्क दिया हुआ, उस टास्क के ऊपर उसने क्या मस्ती करी है, क्या लोगों की लेनी देनी करी है, क्या रेड मारी है लोगों की, क्या सिस्टम हैंग करा है, वो वीडियो है। मम्मी पहले वीडियो देखेंगे फिर बताएंगे हमारा क्या ओपिनियन। हाँ, बिल्कुल वैसे ही बताएंगे। तो पहले वीडियो पे चलते, उससे पहले बता तो जो जो यहाँ तक आया है, जो जो एल्विश यादव से प्यार करता और जो जो हमारी वीडियो को देख के उनको आता मजा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ के नोटिफिकेशन बेल दबा दो, क्या होगा हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। अगर आप चाहते हो ऐसी वीडियो के ऊपर हम रिएक्शन करते रहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहीं से देखिए हम उस गाने पर रिएक्शन या वीडियो पर रिएक्शन जरूर करेंगे। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। आ जाओ। आया है डिक्टेटर ने बुलाया है। I wish I had a phone. Me too, man. हाँ नहीं रहा कोई, जल्दी आइए। स्वागत है, इधर आगे सामने बस लटक रहा हूं। बेशरम। और कहां है तुम्हारे पंटर? अब तो आपको दिशा मिल गई सरकार। वो वाइट अंदर करना अभी। इन्होंने बोला वाइट बाहर रखना है। हाँ, अंदर नहीं करना है, वो बाहर रखना है। Yeah, like क्यों? वैसे ही रखा हुआ था ना मैम, ये वो है ना रेड। अरे कैसे लगा लो यार, रेडियो एक्टिव भाई बाहर रखना है। मैंने तो आप सर दिशा पे हैं, मैंने तो फैशन एक नंबर। वे कहां पंटर तुम्हारे? आ रहे हैं। उल्टा करना है। सम्मानित शॉल, सम्मानित शॉल भाई, सम्मानित थ्रोन। आप सब एलिवेशन के लेफ्ट हैंड की साइड में एक लाइन में खड़े होंगे। और बंदे कहां है भाई? गुडनेस, आ गए। और इन्हें लगा तैयार हो, कहेंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं। हाँ यार, इंप्रेस तो करना पड़ेगा ना। अरे वाह, देखो लाल लाइट वाइट चमक रहे ऊपर से। हाँ, डेविलिश डिक्टेटरशिप आई है ना। हाँ, बट आई एम ब्लाइंड। मुझे क्यों लगता है इस डिक्टेटर पार्टनर में ही बन सकती है। मन चली जी, ये बोल रहे हैं कि एकदम दिशा पे हैं सर, 100% दिशाहीन है। मैं दिशाहीन? आप दिशा पे हैं, दिशाहीन तो हम हैं। आप कुछ बोलेंगे या फिर मैं ऑटोमेटिक स्टार्ट करूं? नहीं, आई थिंक पहले अरे वहाँ खड़े हो कैसे? नहीं, पहले पे मार्च नहीं, दूसरे भाग रही है। पहले पे क्या? जो मुझे लग रहा है, जो एक चुनना है। नहीं, नॉट नाउ बाबा, देन पहले जो काम होते नहीं कहते। आगे सब लोग बिग बॉस, मारना पीटना तो नहीं इनके। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिया जी, पहले आपकी बारी, वार्निंग देनी है ना मैंने। मुझे ऐसा लगता है आप ना जो खाना बनाते हो बहुत स्लो बनाते हो। अच्छा, जो मुझे फील हुआ, एक तो वो आपको ठीक करने की जरूरत है जी, है ना। लोग जैसे खाते हैं तो एकदम से प्लेट खाली हो गई, उसके बाद वो वेट करते हैं कि अगला कब आएगा। तो वो चीज सुधारो आप। दूसरी चीज, मैंने आपको देखा है कि आप ना छोटी छोटी चीजें ढूंढते रहते हो। जैसे आपने प्याज ढूंढी थी उस दिन, दो इतनी हाँ। कि मेरे बेड पे मत बैठा करो, ये मत क्या करो, ये चीज भी आपको सुधारने की जरूरत है। ठीक है। तीसरी चीज, मुझे आप घूमते फिरते नहीं दिखते, थोड़े हेल्थ कॉन्शियस बनो, घूमो फिरो, है ना। एक ये चीज हो गई आपकी। ठीक है। और बेबिका जी, मुझे ऐसा लग, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं पर आप बहुत ज्यादा बना देते हैं खाना ना। ओके, मेरा प्यार भी खाने के साथ, मेरा प्यार भी खाने के साथ बढ़ गया। डिक्टेटर शर्मा गया,
राजा जी, राजा जी चुप कराओ, पहला दुश्मन दूसरा प्यार, आप चुप कराओ इन्हें, शट अप गाइस, प्ले डिक्टेटर मैं बोल दूं, बेबी का जी बोले या नहीं, बेबी का जी जी बोलिए, वैसे डिक्टेटर आई गुड्डा, प्लीज गाइस बिहेव, बेबी का जी आप बेबी का जी आप खाना बहुत ज्यादा बनाती हैं जी, मुझे ऐसा लगता है कि वो फूड वेस्ट हो रहा है, ओके तो उस पर प्लीज ध्यान दें। दूसरी चीज मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई और खाना बना रहा है कुछ अच्छा, तो आप भी घुसते हैं कि मैं भी बनाऊं सेम चीज और ईंट पत्थर बना देते, और ईंट पत्थर बना देते हो जो कि वेस्ट है जी। तो एक ये चीज, तीसरी चीज जब कोई गाना गा रहा होता है तो उसके बीच में नहीं आते हैं, सुरताल खराब होते हैं जी बिल्कुल। चौथी चीज लगातार नहीं गाते हैं कान है सबके यहाँ पे दो ही है। पांचवी चीज, इतनी सारी चीजें हैं मैं याद कर रहा हूँ। पांचवी चीज, पांचवी चीज तो कुछ नहीं, ऑल गुड थैंक यू, और मुझे लगता है और पलक जी मुझे ऐसा लगता है आप ज्यादा टाइम अपना एक कोने में व्यतीत करते हैं तो आपको भी अपनी फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। मुझे जैसा पता है कि आपकी थोड़ा चलें फिरें घूमें फिरें एक्सरसाइज करें, थोड़ा उनको भी समय दे, हमें भी समय दे और लोग भी इधर बातचीत करने को देखो नाम दे दिया समय भी दे देंगे, लाइन डिक्टेटर कुछ भी करे, देखो नाम दे दिया समय भी दे देंगे और बोलो गुड्डा, नाइस नेम और मनीषा जी, मनीषा जी तो चलो कैप्टन थी, और अभिषेक जी भाईचारा भाईचारा एक तरफ बर्तन वर्तन किसी को इंसानियत भी देखो हैं है ना, देखनी चाहिए किसी की कमर दुखती है उधर कमर दबाता भी हूं मैं, तो इतने बर्तन ना धुलवाए कटोरी खा के कहीं रखा है कुछ तो वापस जाओ खुद, ऐसे नहीं असिस्टेंट करो और जो चिकनाहट आज आपने देखी थी वो आपकी प्लेट में ही थी मेरे साथ ये होती है चेक करने के लिए। तो बिग बॉस मुझे इन्हीं लोगों को समझाना था काम का और समझा दिया, वार्निंग दे दी है तुम्हारा रिपीट ना हो चल फिर लिया करो बर्तन नहीं सोएगा नहीं। अविनाश जी को आप कुछ समझाना नहीं चाहेंगे? अच्छा हाँ रुको मुझे दिखे ही नहीं, अरे हाँ यार आज अच्छे से बात कर ली मैं भूल गया यार अपना कुछ है। अविनाश जी जी मुझे ऐसा लगता है कि जी आप जो झाड़ू मारते हैं जी वो थोड़ी और अच्छे से भी मारी जा सकती है जी, झुक के नहीं मारते, झुक के नहीं मारते, आपकी कमर थोड़ी डिग्री होनी चाहिए, ये वाली झाड़ू में मार ही नहीं रहा था, जैड मार रहा था, जब मारो तब, और आप मार रहे थे हाँ तो मेरी अच्छी थी। दूसरी चीज जब जब मैंने देखा आपको कैप्टन साहब ने बोला कि ये कर लो वो कर लो तो कर लिया करो, कर लिया था आपने, लेट करा आपने, जिद करी कि नहीं मैं क्यों करूं, कर लिया मैंने वो इतना ही होता है हमसे इतना ही होता है, तो वो वाला एटीट्यूड मेरे हिसाब से आपको चेंज करने का नीड है। सब फैमिली है, आपने मेरे को प्यार से बोला मैंने प्यार से माना जी, आपको भी ऐसे उसने प्यार से बोला तो चलो, प्यार से नहीं बोला था ना, सबका अलग अलग टोन है बंदा मस्त है यार, इतना ही था बिग बॉस, मैंने समझा दिया सबको, वार्निंग दे दी, कुछ इंग्लिश में भी जैद को समझा दो यार, ये सब बढ़िया कर रहा यू आर टू गुड, मुझे पता कहां चढ़ना, मत बोलो आओ कुछ तो डू लेस जिम, डू लेस, यू शुड डू मोर, डिक्टेटर हूं मैं कर लूंगा, आई शुड टेक केयर ऑफ यू, थैंक्स मैन, थैंक्स मैन, समझा दिया बिग बॉस, अब आप लोग शायद जाने का वही बोलेंगे भाई, मत तो नहीं समझा सकते कोई बात नहीं ना लिया करो डिक्टेटर, डिक्टेटर को नहीं समझा सकते हैं। Now since you're the dictator, you choose your session anytime. Okay. Good. भाई साहब देखो मैं इसकी पूरी वीडियो आएगी आगे जिसके अंदर ये टास्क भी देगा लोगों से क्या क्या बुलवाएगा, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आगे देखने के लिए, और इसे कहते हैं टास्क करना,
किसी को समझा भी दिया प्यार से। एल्विश यादव बहुत अलग आदमी और इसके अंदर ना विनर क्वालिटी अभी से दिख रही है। कहते हैं ना जो हीरा होता है उसको चाहे तुम पत्थर में डाल दो, चाहे कीचड़ में डाल दो, चाहे खान में घुसेड़ दो, हीरा हीरा ही रहता है, उसकी कीमत नहीं बदलती जगह के हिसाब से। तो ये जो हीरा है ना, ये कहीं भी जाएगा ये हीरा ही रहेगा, और इस बंदे ने ये साबित कर दिया। तो हमें इतना एंटरटेनमेंट पर्पज लग रहा है तो लोगों को कितना लग रहा होगा। तो भाई एल्विश यादव को फुल सपोर्ट करो, सिस्टम हैंग कर दो, एल्विश यादव को फुल सपोर्ट करना है ये याद रखना भाई। आप बताओगे कहोगे? मैं ये कहूंगी कि बिल्कुल इसने सटीक बात बोल रहा है, सटीक बात बोली, एकदम एग्जैक्ट अच्छी बात बोली है, और बिल्कुल हंसते हंसते बोला, हेल्दी वे, किसी को बुरा नहीं, हेल्दी वे में बात बोली है, किसी को बुरा नहीं लगा। कि बात ऐसी करनी चाहिए कि वाकई में चाहे गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, सबकी बराबर इमेज होनी होनी चाहिए, और ये लोग नहीं समझते तो ये गलत करती हैं ऐसा। तो अगर ये यादव साहब जो है ये अगर बिल्कुल प्यार से बोले थे, कल उनको गुस्सा आया था और गुस्से में वो कुछ भी बोल रहे थे, तो वो गुस्सा और इस प्यार जो है ना वो अलग चीज़ होती है। ये खेल को खेल ही समझे तो अच्छी बात रहेगी। ये लोग दुश्मनियाँ ले लेते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, झगड़े करते हैं, तो मेरे हिसाब से तो वो नहीं है। देखो मम्मी, लोग अपनी ना जो नेचर है ना वो मौसम के हिसाब से चेंज करते हैं, पर एल्विश यादव वैसा नहीं है, जैसा था वैसा है। कहते हैं ना खड़ी भाषा सूझ समेत बदला तेरा वापस देगा, तो वैसा बंदा है। तो यार इसको पूरा सपोर्ट करना है, सिस्टम को सपोर्ट करना है, और भाई सिस्टम को तो हम पूरा सपोर्ट कर ही रहे हैं। आपका क्या सिस्टम पर सपोर्ट है? बिल्कुल सपोर्ट है जी। पूरा सपोर्ट है। तो आई होप आपको ये वीडियो और आगे वीडियो देखने के लिए आप एक्साइटेड हो, तो फटाफट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक दबा दबा करना कि जिससे हम यादव साहब की वीडियो और डालें। तो अगर आप चाहते हो ऐसी और वीडियो आती रहे, और अगर आपके पास कोई खास ऐसी वीडियोस पड़ी है एल्विश यादव की, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट भेज सकते हो, क्योंकि वहीं से देखिए हम उस वीडियो पर रिएक्शन जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।